रुक कर लेते हैं। पाकिस्तान के खुखार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा की हत्या का मामला सामने आया है। आईएसआई एजेंट आमिर हमजा को सीक्रेट शूटर्स ने ढेर किया है। 4-11 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हमले में आमिर हमजा की पत्नी और बेटी घायल हुए हैं। आमिर हमजा की मौत हो गई है। सीक्रेट जो शूटर्स बताए जा रहे हैं उनकी तरफ से ये हमला किया गया। इस पर मैं सोडी साहब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अनन्या जी, भारत सरकार ने बहुत बारी साफ और स्पष्ट किया है कि ना तो हमारी नियत है और ना ही हमारी नीति है कि किसी भी विदेशी को हम विदेश के किसी देश में मारते हैं। लेकिन कई ऐसे भारतीय लोग हैं जो कि एनआरआई हैं या भारतीय नागरिक हैं, जो कि पाकिस्तान की इन हरकतों से इतने दुखी आ चुके हैं कि वो खुद अपने आप ही ऐसी कार्रवाइयां करते हैं और वो ये जो अज्ञात लोग हैं या अननोन गनमैन है, ये जाके ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के ऊपर कभी भी आतंकवादी हमलों का समर्थन दिया या उसमें हिस्सा लिया है, उनको एक एक करके चुन चुन के मारे हैं। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम उन अज्ञात लोगों को जो पाकिस्तान में जाके भारत विरोधी लोगों को चुन चुन के गिन गिन के मार रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि भारत को अमेरिका के तरह एक पेट्रियट एक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ दशक पहले जब अमेरिका को एहसास हुआ कि उसकी बढ़ती शक्ति की वजह से उसके नागरिकों पे दुनिया भर में हमले हो रहे हैं, उसने पेट्रियट एक्ट नामक कानून बनाया जिसके तहत अमेरिका को ये पूरी कानूनी छूट है कि वो किसी भी देश में जाके अमेरिका के खिलाफ लोगों को मार सकता है। और दो बड़े एग्जाम्पल हैं, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादन को पाकिस्तान में मारा और अयमन अल जवारी को अफगानिस्तान में मारा। और अब वक्त आ चुका है कि भारत को भी ऐसा एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं जैसे जैसे भारत की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है, हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है, हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम खुले तौर पर अमेरिका की तरह ऐसे कानून बनाएंगे तो लोग 25 बार ही सोचेंगे भारत के ऊपर या किसी भारतीय के ऊपर हमला करने से पहले। पीके सिगल जी, मैं इस पर आपका भी कमेंट चाहूंगी और साथ ही एक चीज और जोड़ देती हूं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो कई इस तरह के मामले जो हैं वो पाकिस्तान से सामने आए हैं। कई आतंकियों को इसी तरह से सीक्रेट एजेंट के जरिए मारने की खबरें सामने आई हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, 20 से ज्यादा आतंकी जो है पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। आज तक पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है किसी एक को पकड़ नहीं सकी और ये भी सिद्ध कर सकी दुनिया को कि हिंदुस्तान में बोल्ड है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के एटीट्यूड में बड़ा जबरदस्त फर्क है। हम विश्व गुरु के रूप में और विश्व मित्र के रूप में उभरना चाहते हैं। हम इस का पेट्रियट एक्ट जो है मे बी 5 years और 10 years और 15 years लेटर इसके बारे में सोचे, लेकिन एज ऑफ टुडे हिंदुस्तान इस माफी का एक्ट को लागू नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी नीतियों को के खिलाफ है। हमने साफ तौर पर कहा है बड़े क्लियर शब्दों में कि हिंदुस्तान इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की 4-5 प्रोविंसेस हैं, पंजाब प्रोविंसेस के सारे ही दुश्मन हैं, सिंध भी उनका दुश्मन है, बलूचिस्तान भी दुश्मन, फतह एरिया दुश्मन है, पीओके भी है, तो उनके अपने ही दुश्मन जो है इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि बलूची ने किया है या सिंधी ने किया है या पीओके ने किया है, लेकिन वो किसी प्रकार से ये नहीं कहेगा उन्होंने किया है, वो कहेगा कि हिंदुस्तान करवा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सबूत आज तक नहीं दे सका। तो पाकिस्तान के खुखार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा की हत्या का मामला सामने आया।